हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई जी इलेक्ट्रिशियन चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीढ़ी की वायरिंग के प्रैक्टिकल को करने वाले हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं हमें सीढ़ी की वायरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जब भी हम सीढ़ी के नीचे रहते हैं और सीढ़ी पर अंधेरा रहता है, हमको ऊपर जाना रहता है, तो हम लोग नीचे से स्विच को ऑन करेंगे, हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा, हम लोग ऊपर चले जाएंगे। और जब भी सेकेंड फ्लोर पर जाएंगे तो इसको यहाँ ये स्विच से ऑफ कर देंगे और हम लोग अपने रूम में जा सकते हैं। और जब हमको वापस ऊपर से नीचे आना रहता है तो हम लोग यहीं से स्विच को ऑन करेंगे और नीचे आ जाएंगे। और जब नीचे आ जाएंगे तो हम यहाँ से स्विच को ऑफ़ कर देंगे, हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो ये तो है इसका पूरा प्रोसेस। और चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल को करके। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री चाहिए सीढ़ी की वायरिंग करने के लिए। तो दो टू वे स्विच की आवश्यकता होगी और एक बल्ब और एक होल्डर की आवश्यकता होगी। और कुछ वायर चाहिए जो कि आपकी लंबाई के हिसाब से आपको ले लेना है। तो चलिए वायरिंग को करते हैं। तो सबसे पहले टू वे स्विच में तीन पॉइंट होते हैं, तो हमको ऊपर के दो पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को छोड़ करके दोनों को शॉर्ट कर लेना है, इसके ऊपर वाले पॉइंट से इसके ऊपर वाले पॉइंट को और नीचे वाले से इसके नीचे वाले को। तो चलिए करके देखते हैं। इसके बीच वाले पॉइंट में जो है एक फेज दे देंगे, यहाँ से इसको एक फेज वायर देंगे। और ऊपर वाले टू वे स्विच के एक बीच से ये फेज वायर यहाँ आपके बल्ब होल्डर में जाएगा। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब चलिए इसमें हम लोग लाइन को देकर देखते हैं। तो मैंने इसमें लाइन दे दिया है और एक फेज और एक न्यूट्रल देखिए यहाँ से आया है, जो न्यूट्रल येलो वाले वायर से सीधे ये जा रहा है आपके होल्डर में न्यूट्रल। और फेज जो है आपका ये नीचे वाले टू वे स्विच के बीच पॉइंट में इसको मैंने फेज को दिया है। और यहाँ से ऊपर वाले टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से ये फेज आउट हो रहा है और जा रहा है होल्डर में। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। तो देखिए ऑन हो गया हमारा बल्ब और ऊपर वाले टू वे स्विच से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। फिर ऊपर से हम इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सीढ़ी की वायरिंग का कनेक्शन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।